तो यार शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। देखो इस दिवाली आप लोग शॉपिंग तो करने ही वाले हो, तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CashKaro.com। इस ऐप की मदद से जो आपको कैशबैक वगैरह Amazon और Flipkart की तरफ से मिल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर भी आप और भी ज्यादा कैशबैक कमा सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको CashKaro.com डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और इस लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपको ₹25 का बोनस तुरंत मिल जाएगा। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पर Amazon, Myntra, AJIO जैसी 1500 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जो आपका मन करे, जहाँ से आपका मन करे वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। जैसे मेरा यहाँ पर, मैं Amazon पर जाता हूँ, वहाँ पर मैं इस ऑरेंज बटन को अगर दबाता हूँ तो इस बटन को दबाते ही CashKaro आपको Amazon की वेबसाइट पर ले जाएगा और वहाँ जाकर आपको जो भी शॉपिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये बोट वाले ईयरफोन को ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर जैसे नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करते हैं वैसे मैंने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दिया और बस हो गया आपका काम। जो भी इस ऑर्डर के वजह से जो भी आपको कैशबैक मिलना होगा वो आपको माई अर्निंग वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने Amazon से अभी तक CashKaro का इस्तेमाल करके Amazon से कुछ भी खरीदा नहीं है तो यहाँ पर आपको ₹50 का रिवॉर्ड गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा, जो कि आप Amazon पर एज अ गिफ्ट कार्ड यूज कर सकते हो। और बाकी जो आपकी सामान खरीदने की वजह से जो कैशबैक वगैरह आएगा वो सब डायरेक्टली आप अपने अकाउंट में मंगा सकते हो। तो देर किस बात की, जल्दी से CashKaro.com को अभी नीचे दी हुई लिंक से डाउनलोड करो और कैशबैक कमाना शुरू करो। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में इस्तेमाल किए जाने वाली ये यूरेनियम से बनी रॉड्स हमें 6 से 10 सालों तक इतनी हीट देता रहता है जिससे हम पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी हीट रिलीज करने की कैपेसिटी कम होने लगती है और फिर ये रॉड हमारे लिए किसी भी काम की नहीं रह जाती। इसी तरह ये रिएक्टर, मतलब जिसके अंदर ये रॉड रखी होती है, उसके अंदर जितने भी पार्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो इतने सालों तक इस रॉड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है। इसी वजह से वो सारे के सारे मटेरियल्स भी रेडियो एक्टिव बन जाते हैं। और फिर जब एक बार उस न्यूक्लियर रिएक्टर में से रॉड को बाहर निकाल लिया जाता है तो जो बचा हुआ पार्ट है वो भी हमारा एक न्यूक्लियर वेस्ट ही कहलाता है। अब अगर मैं इन रॉड्स की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि ये रेडिएशन बिल्कुल ही एमिट करना बंद कर देंगी, नहीं, अभी तो ये करीब 10 से 30 हजार सालों तक लगातार रेडिएशन एमिट करती रह सकती हैं, और वो भी इतनी जिससे पूरा का पूरा एक शहर बर्बाद किया जा सकता है। लेकिन अब क्योंकि ये इतनी हीट जनरेट नहीं कर पाएगी जिसकी वजह से पावर प्लांट को चलाया जा सके, इसी वजह से अब ये हमारे किसी भी काम की नहीं रह जाती और ये हमारे लिए एक न्यूक्लियर वेस्ट बन जाती है। तो अब इन सारी चीजों का किया क्या जा सकता है? सिंपल है, इन्हें किसी ऐसी जगह रख दो जहां कोई भी इंसान इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना कर सके और फ्यूचर में भी कोई इसे ना छेड़ पाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 30 हजार साल तक भी एनर्जी रिलीज करते रहेंगे, तो इसी वजह से अभी हमारे पास इस न्यूक्लियर वेस्ट को ठिकाने लगाने का कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जितनी भी न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज सिस्टम आज हमारे पास मौजूद हैं, वो सब के सब एक टेम्पररी सॉल्यूशन ही हैं, क्योंकि उन सभी को ह्यूमन मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर यूरेनियम वेस्ट या फिर ये जो रॉड्स रिएक्टर्स में से निकाली जाती हैं, उसे सबसे पहले पावर प्लांट के अंदर ही ऐसे पानी के पूल्स के अंदर सबमर्ज करके रखा जाता है, क्योंकि पानी रेडिएशन को उसमें से बाहर नहीं निकलने देता। लेकिन वो रॉड्स अभी भी रेडियो एक्टिव हैं, वो अभी भी पानी को गर्म कर सकती हैं, उसे बॉइल कर सकती हैं। और अगर पानी बॉइल होकर उड़ गया और ये रॉड्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गई तो चारों तरफ सिर्फ मौत ही मौत होगी। इसीलिए इस पूल के पानी को लगातार ठंडा करके रखा जाता है। इस पूल का कूलिंग सिस्टम कभी भी खराब ना हो पाए या फिर किसी भी वजह से अगर इसकी पावर चली जाती है तो बैकअप पावर को जल्दी से जल्दी चालू किया जा सके, इसीलिए इस पूरे एरिया को लगातार इंसानों की निगरानी में रखा जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक्सीडेंट में। उसमें इस पूल का जो कूलिंग सिस्टम है वो किसी वजह से खराब हो गया और उसकी वजह से उसमें भरा हुआ पानी बॉइल होकर उड़ने लगा और यूरेनियम का कुछ हिस्सा डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया और उसने पूरे इलाके को खतरे में डाल दिया। हालांकि वहां मौजूद एम्प्लॉइज ने तुरंत एक्शन लेते हुए कूलिंग सिस्टम को दोबारा से स्टार्ट किया और जब तक पानी इतना कम हो जाता जिससे रेडिएशन बहुत ज्यादा लीक हो जाती, इससे पहले ही कूलिंग सिस्टम को ठीक करके उसमें वापस से पानी भर दिया गया। इस घटना में बहुत सारे
सारे लोगों की जान तो नहीं गई जैसा कि चेर्नोबिल के केस में हुआ था, लेकिन फिर भी इस घटना को न्यूक्लियर हिस्ट्री का सबसे खतरनाक मेल्टडाउन में से एक माना जाता है। अब ये रॉड्स पानी में करीब 10 से 20 सालों तक यहाँ पर रहती हैं, और क्योंकि ये पानी इतने सालों तक लगातार इस रॉड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है, और ये भी एक न्यूक्लियर वेस्ट ही होता है। और खबर ये आ रही है कि जापान का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसने अपने जो 30 सालों के अंदर जो इन पूल्स में से इकट्ठा किया हुआ है वो उन सारे पानी को समुद्र के अंदर छोड़ने वाला है। हालांकि उनका कहना यह है कि हमने इस वेस्ट को पूरी तरीके से ट्रीट कर दिया है, मतलब ये पानी बिल्कुल सेफ है और 2022 तक हम इसे अंडर विजन में रखेंगे। मतलब हम ये देखेंगे कि हमने जो ट्रीटमेंट करा है इस पानी पर उसकी वजह से रेडिएशन कहीं वापस तो नहीं आ रहा, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2022 में हम इसे समुद्र में छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा सोच के भी डर लगता है कि अगर किसी भी वजह से वो पानी समुद्र में जाने से पहले रेडियो एक्टिव ही रहा तो वो किसी भी खतरनाक केमिकल वेपन से कम नहीं होगा। जब इन यूरेनियम रॉड्स को इस पानी के पूल में से निकाला जाता है तो अभी ये करीब 10 से 30 हजार सालों तक रेडियो एक्टिव रह सकते हैं, इसीलिए इसे कंक्रीट और स्टील के बने हुए ऐसे कॉलम्स के अंदर चुनवा दिया जाता है। लेकिन ये सॉल्यूशन भी एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमें इसे कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, और जहाँ पर भी हम इसे स्टोर करके रखेंगे उस जगह को हमें 24/7 हमेशा निगरानी में रखना पड़ेगा। टाइम टू टाइम इसकी सरफेस का टेम्परेचर चेक किया जाता है ताकि ये कंफर्म रखा जा सके कि हाँ कहीं से कुछ क्रैक वगैरह तो नहीं है, या फिर ये कॉलम कहीं से रेडिएशन लीक तो नहीं कर रहा। और इन केस कोई सुनामी या फिर कोई अर्थक्वेक वगैरह आ जाता है और इसमें से अगर कोई भी कॉलम किसी भी वजह से क्रैक या फिर डैमेज हो जाता है, और अगर उस सिचुएशन को संभालने के लिए कोई भी वहां पर अवेलेबल नहीं रहता और वो यूरेनियम डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो आप सोच भी नहीं सकते कितनी तबाही हो सकती है। अब हालांकि ये जो कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर हमारा न्यूक्लियर वेस्ट रखा जाता है उसकी टेस्टिंग बहुत ही खतरनाक लेवल पर करी जाती है, मतलब इन बॉक्सेस को ट्रेन के सामने रखा जाता है और ट्रेन इससे टकराती है, और अगर ये बॉक्स टूट जाता है तो ये टेस्ट में फेल हो जाता है और हम इस बॉक्स का इस्तेमाल न्यूक्लियर वेस्ट को इकट्ठा करने में नहीं करेंगे। तो अब हाँ, जो मटेरियल यूज होता है इस न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर करने में वो बहुत ही खतरनाक लेवल का हार्ड होता है, लेकिन फिर भी जो नेचर की ताकत है उसके सामने तो कोई भी टिक नहीं सकता। तो अब इस न्यूक्लियर वेस्ट से बचने के हमारे पास 3 सॉल्यूशन है। नंबर 1, या तो हम न्यूक्लियर एनर्जी का कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लें जो इतनी ही एफिशिएंसी के साथ काम कर सके, जो कि अभी तो हमारे लिए कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो विंड और जो सोलर एनर्जी है उसमें जो कॉस्ट लगती है हमारी एक जूल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में वो इसके मुकाबले काफी ज्यादा है। सॉल्यूशन नंबर 2, या तो हम न्यूक्लियर वेस्ट को हार्वेस्ट या फिर डिस्पोज करने का कोई तरीका ढूंढ लें, और डिस्पोज करने का ऐसा ही तरीका निकाला है फिनलैंड ने। फिनलैंड में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां आज तक ना तो किसी सुनामी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है और वहां पर किसी भी तरह के अर्थक्वेक का कोई मेजर इम्पैक्ट हमें आज तक देखने को नहीं मिला है, इसीलिए इस जगह पर न्यूक्लियर वेस्ट को परमानेंट डिस्पोज करने के लिए अंडरग्राउंड चेम्बर्स बनाए जा रहे हैं, जिसे बनने के बाद किसी भी इंसान के निगरानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ना कि ये जो यूरेनियम की रॉड है ये हमें एनर्जी तो 10 साल तक ही दे पाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हम इससे 10 साल तक ही बना पाते हैं, लेकिन ये रेडिएट मतलब 30-30 हजार साल तक हो जाती है। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो यूरेनियम जो हमारा फ्यूल है वो पता है कितना परसेंट अपना फ्यूल सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाने में देता है? सिर्फ और सिर्फ 5%। जो 95% है ना उसका, वो सारा का सारा हमारे लिए वेस्ट हो जाता है, इसीलिए ये इतने सालों तक रेडियो एक्टिव रहता है। तो जो हमारे फिनलैंड में ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें प्लान तो ये था कि 2020 तक इसकी खुदाई चलती रहेगी, लेकिन जो हमारे मेन पावर सोर्सेज है ना न्यूक्लियर रिएक्टर के, जहाँ से सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है, उन वेस्ट को हम यहाँ पर लाना शुरू कर देंगे 2020 तक। तो हम इन वेस्ट को इन खड्डों में डाल देंगे, और उसके बाद जब एक रो में जितने भी खड्डे हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियर वेस्ट से भर जाएंगे, उसके बाद उस पूरी रो को एक स्पेशल टाइप के कंक्रीट, क्ले और दूसरे मटेरियल से बने हुए एक मिक्सचर से भर दिया जाएगा, और जब साल 2120 या फिर 2125 तक जब ये सारे के सारे ब्लॉक्स पूरी तरीके से भर जाएंगे तो हम इन सभी के अंदर उसी मिक्सचर को डालकर छोड़ देंगे। तो उसके बाद हमें इस जगह में किसी भी तरह के मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस जगह को ऐसे ही छोड़ने से पहले हमें अपने फ्यूचर जनरेशन को भी ये मैसेज देना होगा कि देखो यहाँ से दूर रहना, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो तो करीब 30,000 साल तक रेडियो एक्टिव रहेंगी ना। हम तो मतलब जब ये चीज कंप्लीट हो जाएगी उसके 100
सालों में जितने भी लोग उससे उस प्रोजेक्ट से इन्वॉल्व होंगे वो तो सारे मर जाएंगे, तो हमें आने वाली जनरेशन के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। एंड एज वी नो, हम इंसान बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते हैं नेचर में। हमें कुछ भी अजीबो गरीब दिखता है तो हम उसके बारे में जानने की बहुत ज्यादा इच्छा जताने लगते हैं। जैसे मान लो हमने कम्प्लीट कर लिया सब कुछ और हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन आज से 5000 साल बाद अगर कोई कहीं से इस इलाके में आता है और वो यहाँ पर किसी भी वजह से कोई खुदाई करता है तो उसे यहाँ पर ऐसे अजीब से कॉलम देखने को मिलेंगे, ऐसे बॉक्सेस देखने को मिलेंगे, तो ये तो उसके लिए एक अचीवमेंट होगी ना। वो तो ये सोचेगा कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर कुछ दफनाया था और मैंने इसकी खुदाई करके इसको खोजा है, तो चलो क्यों ना इसे खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। या फिर अगर उनमें से कोई भी एक कंटेनर या फिर कॉलम खुदाई के वक्त ही किसी तरह से टूट जाता है किसी भी वजह से, तो वो भी कितना ज्यादा तबाही मचा सकता है वो तो हम सब जानते ही हैं। तो इसीलिए गवर्निंग बॉडीज ने एक मैसेज तैयार किया है, मैंने ये मैसेज नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप यहाँ से भी उसे अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये मैसेज हमें अपनी आने वाली जनरेशन को जनरेशन टू जनरेशन पास करना होगा, क्योंकि अगर ये मैसेज प्रॉपरली आगे तक नहीं पहुँचता तो हम तो बच जाएंगे लेकिन हमारी फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा पता नहीं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम बात कर रहे हैं 5000 साल की, 10000 साल की, मतलब तब तक तो शायद इंसान इंसान जैसा रहे ही ना, या फिर इंसान नाम की कोई चीज ही ना रहे, तो ऐसे में हमारी लैंग्वेज कैसे रह पाएगी? मतलब हम मैसेज लिख कर डालेंगे तो हमारी लैंग्वेज कैसे सामने वाले को समझ में आएगी? इसीलिए हमें इस मैसेज को ऐसे छोड़ना होगा ताकि इसमें किसी भी तरह का लैंग्वेज बैरियर रहे ही ना, और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ग्रेफिटी का, मतलब पेंटिंग्स, फोटोज या फिर इमेजेस का। जैसे हमने गुफाओं में मौजूद पेंटिंग्स की मदद से ये पता करा कि हमारे पूर्वज कैसे दिखते थे, वो क्या क्या काम करते थे, वैसे ही हम भी अपनी वार्निंग को पेंटिंग्स या फिर इमेजेस के जरिए अपने फ्यूचर जनरेशन को बता पाएंगे कि भैया देखो अगर आप इसे खोलोगे तो आप मरोगे। लेकिन चलो 5000 सालों तक तो ठीक है, मान लिया हमारी वार्निंग सामने वाले को समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर धरती पर लाइफ खत्म हो गई, जो कि ऑब्वियसली 1000 साल तक भी नहीं लग रहा कि मुझे टिक पाएगी धरती, अगर यहाँ पर लाइफ खत्म हो गई और आज से 20000 या 40000 साल बाद एक कम्प्लीटली दूसरी स्पीशीज इस धरती पर आती है और उन्हें ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इस प्लेनेट पर कैसी चीजें रहती थी, वो कैसी दिखती थी, उन्हें यही नहीं पता होता कि भाई मरने का मतलब क्या होता है, तो उनके लिए तो इन ग्राफिकल मैसेज को समझ पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। वेल, साइंटिस्ट के पास इसका कोई भी सॉल्यूशन मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचें तो किसी का सजेशन ये भी है कि इस इलाके के बारे में किसी को भी बताओ ही मत, ना ही इंटरनेट पर इस जगह की कोई लोकेशन होगी, ना ही किसी फाइल्स के अंदर इसका कोई रास्ता होगा, ये जगह पूरी दुनिया के मैप से गायब कर दी जाए ताकि कोई कभी इस इलाके के बारे में जान ही ना पाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, मतलब के फ्यूचर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये जगह ऐसी जगह पर मौजूद है जो आने वाले कई सालों तक, मतलब 1000-2000 सालों तक इस जगह पर किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर करना कोई भी सेंस नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ पर ना तो आसपास कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ना ही आसपास कुछ ऐसी चीज है जो यहाँ पर अगर हम बनाए तो उसका हम फायदा उठा सकें। तो इसीलिए आइडिया ये है कि अगर हम इस जगह के बारे में किसी को बताएंगे नहीं तो यहाँ पर कोई आएगा नहीं। तो ये जो सॉल्यूशन है वो ये बता रहा है कि भैया देखो हम अपने बारे में सोच रहे हैं, हम तो बच जाएंगे, आने वाली जनरेशन अपना खुद देखेगी। इसीलिए इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए साइंटिस्ट का कहना है कि 2050 तक न्यूक्लियर रिएक्टर्स का अल्टरनेटिव हमें किसी भी तरीके से ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि आज तक जितना भी न्यूक्लियर वेस्ट हमारे पास मौजूद है अगर वो सारा का सारा हम इस जगह पर बने हुए ब्लॉक्स के अंदर डाल भी देते हैं, और मान लो आने वाले कुछ और सालों तक जो यूरेनियम हमारा निकलेगा वो भी हम यहाँ पर डाल देते हैं, लेकिन उसके बाद जो इकट्ठा होगा उसका क्या? वो तो फिर वही प्रॉब्लम चालू हो गई, क्योंकि यहाँ पर तो जगह लिमिटेड ही है ना। इसीलिए हमें इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढना ही होगा, और शायद हमारे पास उसका सॉल्यूशन है भी, लेकिन ऑन पेपर, और वो है न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि हमारा तीसरा सॉल्यूशन हो सकता है।